Assalamu alaikum everybody, welcome to another vlog. So today is my first day of water fasting. Aur jinko nahi pata what is water fasting, it is also known as intermittent fasting. It's really good for your health, it's good for your gut, it's good for your heart. Aur uske bahut sare fayde hain jo main aage video mein bataungi, theek hai. And the most important thing is ki water fasting mein you can only have water or black coffee with no sugar. That is the only thing that you can pretty much drink. Aur basically isko करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अच्छा, ये जो चीज है ना एंशिएंट टाइम से लोग करते आ रहे हैं एंड इट्स मेडिकली प्रूवन के इट्स गुड. लेकिन हाँ, इसको करने का तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, ऐसे ना शुरू कर दीजिएगा कोई भी. द थिंग इज के समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग तो आपको ना थोड़ी डिजीनेस फील होती है समटाइम्स. और वो डिजीनेस फील इसलिए होती है क्योंकि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हो जाता है और उसको मेंटेन रखना पड़ता है. सो उसको मेंटेन करने के लिए यू कैन हैव सॉल्ट विद वॉटर या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स का स्पेसिफिक एक फॉर्मूला मिलता है. यू कैन डिसॉल्व दैट इन वाटर और आप वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं. दैट इज प्रीटी मच इट. दिस इज माय फर्स्ट डे और इसलिए आई हैव एनर्जी टू, लेकिन मैं साथ साथ अपनी प्रोग्रेस बताती रहूंगी. तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपना फर्स्ट डे गुजारने के लिए. आई हैव अ मीटिंग विद माय डर्मेट, सो लेट्स गो देयर. ऑलराइट गाइस, मेरी डर्मेट से मीटिंग हो गई थी और अब मैं रेस्टोरेंट में बैठ के वेट कर रही हूँ खाला का. एंड ट्रस्ट मी, खाने की खुशबू और हर चीज की खुशबू यू नो सीधा मेरे दिमाग पे चढ़ रही है. लेकिन कह रहे हैं इट्स फाइन. तुम्हारा पानी वाला व्रत कैसा जा रहा है? अच्छा, मेरे घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं अभी वाटर फास्ट कर रही हूं. वो तो वैसे ही पता चल जाना है उनको. खैर है, बाद में पता चल जाए तो चल जाए. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वाटर फास्ट किया था तो मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी. रोजाना कहते थे प्लीज खा लो, प्लीज खा लो, प्लीज खा लो. मैं तंग आ गई थी कसम से. बाबा कैसे मुझे डांटते रहते घर में. जी नहीं, मैं कोई मरने वाली थी. आई वॉज एनर्जेटिक और मेरे अंदर एनर्जी थी और मैं एक्सरसाइज भी करती थी. झूठ ना बोलो तुम, ठीक है? 7 days का मैंने किया था, इस बार 10 days का. आज मेरा फर्स्ट डे था वाटर फास्टिंग का और अभी तक अच्छा चल रहा है. 7 बज गए हैं, ठीक है? तो अब बस घर ही जाऊँगी एंड देन आई डू सम वर्क और फिर सो जाऊँगी. बाकी आई अपडेट यू गाइस टुमारो कि कल क्या सीन है. बाकी मैं अपना वेट भी मेजर कर रही हूँ साथ साथ और बाकी सारी चीज़ें. तो आई अपडेट यू गाइस ऑन दैट टू कि मुझ में क्या चेंजेस आएगा, जो भी सारा सीन है. लेकिन फिलहाल आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा है, यू नो. मुझे लग रहा था कि मुश्किल होगा बट नहीं, इट वेंट प्रीटी. आज है डे 2 और इस टाइम हो रहा है 5:30 PM शाम के. तो मैं सुबह से उठी हुई हूँ बट आई एम ऑन माई बेड क्योंकि मैंने एडिट करने थे कुछ वीडियोस और व्लॉग. तो बस मैंने वो एडिट किए, वो अपलोड किए और आई डिड माई स्किन केयर रूटीन. और जब बंदा वाटर फास्ट कर रहा होता है ना तो काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए. तो आई एम डूइंग दैट और अपनी चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज करके मैंने रखी कुछ. और बस इस तरह से मेरा गुजर रहा है दिन. है दिस वाज माय टुडेज अपडेट. बाकी सोने से पहले भी आई एम गोइंग टू शूट अ बिट क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए. मैं चाहती हूँ कि हर दिन, क्योंकि 10 days हैं तो हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँ, अपडेट देती रहूँ. ये सीन है. बाकी यार एनर्जी मेरी कल जितनी ही है बिकॉज कल मैं बाहर थी, एक्टिविटीज़ कर रही थी तो यू नो बंदा थोड़ा एक्टिव रहता है. आज मैं घर पे थी तो यू नो आई वॉज अ बिट लेजी, मैं पूरा दिन लेटी रही हूँ. तो खैर, अगर आज भी मुझे कोई काम होता है, कोई एक्टिविटीज़ होती बाहर जाने के लिए, तो आज भी मेरा दिन एक्टिव गुजरता. और पता है एक्टिविटीज़ होने का फ़ायदा ये है कि आपको याद नहीं रहता, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. बट व्हेन यू आर एट होम तो यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट फूड. तो ये सीन है. तो एनीवेज गाइस, लेट्स सी अब मेरा बाकी का दिन कैसा गुजरता है. रात में आई वॉज बिंज वॉचिंग मूवीज और डिफरेंट शोज. हेलो गाइस, सो दिस इज डे 3 और इस टाइम हो रहा है 10 बजे, ठीक है, सुबह के. अभी मैं अपना हेयर ऑयल लगाऊंगी. दिस इज कॉल्ड केश किंग, लेकिन इट्स आयुर्वेदिक ऑयल. अब लेट्स सी के कैसा है मेरे बालों के लिए. When you're on water fast, so you are more active or you're more productive. इसकी ये बॉटल है, इसको मैं ओपन करूँगी और उसके साथ ये लगाऊंगी. दिस इज एक्चुअली गुड. अच्छा गाइज, देर इज वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कल ना डे 2 के एंड पे ना
पेरू के एंड पे आई टुक माय इलेक्ट्रोलाइट्स। कल मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन जो एंड है ना उसका तकरीबन 11-12 बजे रात के हुआ ये था कि मेरी ना हो गई लड़ाई बेसिकली घर में। आई वाज जस्ट नॉर्मल, ठीक है, लेकिन जरा सी आई रेज माय वॉइस एंड कसम से मेरा बीपी लो हो गया, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन फिर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक मैंने अपना बनाया और मैंने वो पी लिया एंड आई गॉट बेटर। वैसे यूजली इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत आपको तीसरे या चौथे दिन पड़ती है, लेकिन मुझे सेकेंड डे से ही पड़ गई बिकॉज I had a fight और मैंने ज़्यादा कोई macho man बनने की कोशिश की, you know, और मेरा बीबी फौरन लो हो गया। तो भाई one more thing, अगर आप water fast करें do not fight है। अभी मेरा day 3 की morning हुई है तो I'm doing this, फिर I'll take a shower and I'll change, देखते हैं फिर क्या होगा। और गाइस तो इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ले लूँ। तो हेयर इज अ साशे, ये ऑरेंज फ्लेवर का है, तो अब इसको बनाते हैं और पीते हैं। ये पी के ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्लेवर बाकी है अभी ज़िंदगी में, एनर्जी भी आती है, सुकून भी मिलता है इसको पी के यार, वेरी नाइस। हेलो गाइस, सो टुडे इज डे 4 और मैं नहा धो के थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से यू नो मैं पड़ी हुई थी बेड पे बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू। मेरा मतलब काम से भी ऑफ था, तो इस वजह से आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। मैंने फर्स्ट 2 डेज का वेट मेजर किया था और उसमें 2 kgs कम हुआ है और अभी आगे जाके जिस तरह प्रोग्रेस होती है आई अपडेट यू गाइस। और बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, वाटर फास्ट से मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो रही है, यू नो मतलब जो पुराने एक्नी मार्क्स होते हैं वो थोड़े से रिजिड होते हैं, यू नो इतनी आसानी से नहीं जाते, तो मैंने नोटिस किया कि वो लाइट होना स्टार्ट हो गया, तो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। और मतलब ऑब्वियसली वाटर फास्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपके अंदर से इंटरनली आपको अच्छा करता है वो, यू नो आपको डिटॉक्स करता है, तो आपकी स्किन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और बाकी भी आपकी हेल्थ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो खैर टुडे इज़ डे 4, अब देखते हैं कि बाकी के दिन किस तरह गुजरते हैं मेरे। मुझे खाना चाहिए यार, मुझे खाना चाहिए। Guys, today is my 5th day of my shoot और मेरे सामने इस वक्त खाना पड़ा है। पास किया हुआ उतने ज़्यादा खाना मेरे सामने आया जा रहा है, कभी ड्रिंक्स आ रही हैं, कभी क्रोसॉन्स, कभी कॉफ़ी, कभी क्या है, मैं क्या करूँ। अब आधे दिन हो गया, 5 days रह गए, तो देखते हैं इंतज़ार कब ख़त्म होता है। मैं इसको खा नहीं सकती, इट्स फ्री। ऑलराइट गाइस, तो डे 5 मैं अब शूट से घर पे आ चुकी हूँ, ठीक है। इस टाइम टाइम बज रहे हैं कोई 5 बज रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत टफ दिन था आज का यार, मतलब खाने के साथ एक्टिंग करना, फल्ला मैन सीरियसली, मतलब इतना मेरा दिल किया तोड़ने का। एक तो फ्री खाना, ऊपर से इतना मज़े का यार, ऊपर से वो कह रहे थे कि खा लो खा लो खा लो, इवन उन्होंने कहा कि पैक करा के ले जाओ, बट मैंने मना कर दिया यार। खैर एनीवेज, बस अब 5 days और रह गए हैं, लेट्स सी। Only 4 days left now. Today is day 6. और आज पूरा दिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, पूरा दिन आई हैव बीन ड्रिंकिंग माई इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या कहते हैं, बस आज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। कल का दिन हालांकि एक्टिव गुजरा था डे 5, बट आज तो कसम से एंड हो गया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ब्रेक कर दूँ क्योंकि कल 7 days पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार 10 days का ही करना है। हालांकि पिछली बार 7 days का किया था, इट वॉज टफ, लेकिन इस बार मेरा बहुत ईजी गुजरा है। और क्या कहते हैं, बस आई होप यार 10 days पूरे हो जाए, अब 4 दिन रह गए, 4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं यार। मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं कढ़ी पकौड़ा खाऊं, कढ़ी चावल, क्या मुझे इसकी इतनी गंदी वाली क्रेविंग हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर एनीवेज, आई होप कि आगे के दिन आराम से गुजर जाए, बिकॉज जैसे एंड डेज आ रहे हैं ना, आई डोंट हैव एनर्जी टू रिकॉर्ड थिंग्स। बाकी बस यार ये ज़िंदगी चल रही है। टुडे इज डे 7 एंड फाइनली ओनली 3 days आर लेफ्ट, और अभी सब सीन जो है ना, बस आई एम जस्ट वेटिंग। कितने दिन रह गए तुम्हारे? 3 दिन। कितने दिन हो गए? 50 साल हो गए हैं। 7 दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है 50 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता तुमने कि बीच में कुछ खाया होगा इस लास्ट में। पागल हो गए हो क्या? प्रॉमिस मैंने कुछ भी नहीं खाया।
मैंने लास्ट टाइम भी कुछ भी नहीं खाया था, इस टाइम भी कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इस टाइम बहुत इजी रहा फिर भी, लास्ट टाइम बहुत मुश्किल था क्योंकि लास्ट टाइम मेरा पहली बार था ना। चलो फिर अब अगली बार 20 दिन का करना, फिर उसके बाद एक महीने का, फिर दो। लेकिन मैंने ये जो फास्ट रखा है वो इसलिए रखा है कि मतलब ये फास्ट मेरा अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि जो मैं चाहती हूँ कि मैं जब फास्ट ब्रेक करूँ तो मैं असद की कड़ी से करूँ। बन जाएगी तुम्हारे लिए कड़ी 10 दिन के बाद, 7 बॉइल्ड राइस और पकौड़े। पकौड़े नहीं डालूंगा, अंडे डालूंगा बॉइल्ड। यार असल में फास्ट ना अंडे नहीं। खैर यार अब बस 3 दिन रह गए तो आई होप कि ये जल्दी से गुजर जाए। अंडा कड़ी यार राइट। Finally, only 2 days are left. और थोड़ी सी अगर अपडेट दे दूँ वेट पे तो आई हैव लॉस्ट अबाउट 5 kgs इन 8 डेज। आज मैंने सुबह वेट किया था तो आई लॉस्ट 5 kgs इन 8 डेज। और बाकी बस मेरी बस हो गई यार, आई कैंट वेट टू ईट। और अभी बस मुझे नहीं पता कि 2 दिन किस तरह गुजरेंगे, तो खैर अभी देखते हैं क्या सीन है। अभी मैं बाहर जा रही हूँ तो बस यार जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरा दिन आराम से गुजर जाता है, मुझे ना मतलब फील नहीं होता कि मैंने कुछ खाना है या एनीथिंग लाइक दैट। जब बंदा घर पे होता है ना तो बंदा हर वक्त खाने के बारे में सोचता है, दैट इज ऑल। तो बस अब 2 दिन रह गए हैं तो आई होप ये भी आराम से गुजर जाए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। वाटर फास्ट करने के लिए ना यू हैव टू बेसिकली आपको जो है ना डॉक्टर के साथ इन टच रहने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ वाटर फास्टिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ भी एनीथिंग कैन गो रॉन्ग राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाते रहो डॉक्टर से। तो अभी बस मेरे 2 दिन रह गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 7 PM, अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो बस अब यहाँ से मैं निकलूँगी, बस 2 दिन है, फिर उसके बाद आई कैन ईट। Guys, only 1 day left and I'm so excited today कि मैं भूल ही गई वीडियो रिकॉर्ड करना आज की। मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचते हुए गुजरा कि कल मैं क्या खाऊंगी और कैसे टाइम गुजरेगा एंड एवरी थिंग। तो आज मैंने वेट किया था तो मेरे ऑलमोस्ट 5 kgs जो हैं वो लूज हो चुके हैं। बाकी आई एम टू एक्साइटेड फॉर टमोरो। इस टाइम हो रहा है 11 बजे हैं रात के, ठीक है, पूरा दिन मुझे याद नहीं रहा रिकॉर्ड करना वीडियो बनाना बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आज आखिरी दिन है, यू नो। अब बस मेरी अब बस हो गई है, अब कल मैं खाना खाऊंगी पेट भर के। और मैंने पता नहीं मुझे किन किन चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही है, आई स्वेयर मैं सब कुछ खा जाऊंगी। अब देखते हैं कि कल मुझसे क्या खाया जाएगा और क्या नहीं। चलो यार ये 10 डेज भी पूरे हो गए, आई एम रियली एक्साइटेड कि बस अब एक दिन ही रह गया। So today is day 10th और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सही बारिश हो रही है, सही परफेक्ट है सब कुछ आज, ठीक है, क्योंकि आज डे 10 है मेरा। आज ये फास्ट फाइनली ख़त्म होने वाला है, मैं रात को खाऊंगी खाना। आई थिंक 8 घंटे रह गए ऑलमोस्ट। और क्या कहते हैं अभी मुझे काम पे जाना है, आई हैव 2 PRs टू डू, फिर उसके बाद आई कम स्ट्रेट होम और फिर 12 बजे रात के आई विल ब्रेक माई फास्ट। ऑल राइट गाइस, तो असद भी आ चुके हैं मेरा वो करवाने, क्या वही मेरा फास्ट ब्रेक करवाने अपनी कड़ी से। फिर आपके 10 दिन बहुत मुश्किल, अभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स पी रही हूँ, अभी फिर 4-5 दिन के बाद फिर करना है वो देखेंगे। कसम से कोई फील नहीं हो रहा है ऐसे कि मैंने 10 दिन से कुछ खाया भी नहीं, आई एम सो एनर्जाइज्ड। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं सारी राइड्स ले लूं, अब अल्लाह कह रही तबीयत ना खराब हो, बाकी ऑल इज वेल। ओनली 2 आवर्स लेफ्ट नाउ। क्या कर रहे हैं? पकौड़े बना रहे। शुक्र है कि मैं घर पे नहीं थी, वरना यार ये जो कड़ी की खुशबू है ना उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर देता था, आई स्वेयर। और बस अब 2 घंटे रह गए तो वैसे पता है इट्स नॉट हेल्दी कि आप इतने दिनों का जो फास्ट है वो इस तरह की चीज़ों से ब्रेक करो, यू नीड टू ईट फ्रूट या वेजिटेबल जूस। लेकिन मेरी क्रेविंग बहुत ज़्यादा है यार, तो इस वजह से मैं कड़ी से करूँगी। गाइस 1/2 घंटा रह गया और मुझसे ये टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा। अब 12 बजे तो मैं खाना खाऊँ। फाइनली द मोमेंट आई हैव बीन वेटिंग फॉर। ये है मेरा फर्स्ट बाइट, तूने पहले ले लिया मुझसे।
ओह शिट यार, सो दिस टेस्ट सो गुड मैन। 10 दिनों के बाद मेरे मुंह में कुछ गया। बहुत अच्छी बनाया सर, प्रॉमिस। बहुत मजे की है मैन, मैं तो कड़ी का टेस्ट ही भूल गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं खा रही हूँ। चले गाइस, आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अब नेक्स्ट फूड व्लॉग आने वाला है क्योंकि मैंने अपनी सारी क्रेविंग्स पूरी करनी है खाने की। चले ओके, बाय बाय। Thank you.